नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सेबाइना होम्योपैथी दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे और हर तीसरे चौथे महीने गर्भपात होने की समस्या की होम्योपैथिक दवा की भी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। सेबाइना रक्तस्राव की प्रमुख औषधि है। किसी प्रकार का भी रक्तस्राव हो, गुर्दे से, मूत्राशय से, मलद्वार से, बवासीर के मसों से, जरायु से, अगर कहीं से रक्तस्राव हो रहा है तो रक्तस्राव की औषधियों की तरफ ध्यान देते हुए हमें सेबाइना औषधि का भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इस औषधि का विशेष उपयोग जरायु से होने वाले रक्तस्राव पर होता है। जरायु से रक्तस्राव का मुख्य लक्षण है रक्तस्राव के साथ कमर में दर्द। यह दर्द कमर से उठता है और सीधा योनि के ऊपर उठी हुई हड्डी या जरायु तक जाता है। असहनीय पीड़ा होती है। इस लक्षण के रक्तस्राव को यह ठीक करता है। रक्तस्राव के साथ कमर से उठकर योनि के ऊपर उठी हुई हड्डी तक जाने वाले दर्द में दो दवाइयां हैं, सेबाइना तथा वाइबरनम। परंतु इन दोनों में भेद यह है कि दर्द उठता तो दोनों में कमर से ही है, किंतु सेबाइना में सीधा योनि के ऊपर की हड्डी या जरायु तक जाता है। वाइबरनम में सीधा ना जाकर कमर के चारों ओर से होता हुआ योनि के ऊपर की हड्डी या जरायु तक पहुंचता है। रक्तस्राव के साथ इस प्रकार के दर्द तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला, जब अत्यधिक रक्तस्राव हो। दूसरा, जब एक माहवारी तथा दूसरी माहवारी के बीच के दिनों में भी थोड़ा रक्तस्राव होता रहे। तथा तीसरा, जब गर्भपात की आशंका हो। आगे बढ़ते हैं। सेबाइना का जो रक्तस्राव है वो अधिक चमकीला, लाल या काला, थक्के थक्के और फव्वारे सा फूटता है। रक्तस्राव कहीं का भी क्यों ना हो, सेबाइना का रक्त अधिक मात्रा में बहता है, चमकीला, लाल या काला होता है। इसमें रक्त के थक्के मिले होते हैं और बीच बीच में फव्वारे सा फूटता है। हम क्योंकि इस औषधि के जरायु पर विशेष प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि रजोधर्म में चाहे अति रज हो, चाहे एक माहवारी से दूसरी माहवारी के बीच रज स्राव हो, चाहे गर्भपात की आशंका के रज स्राव हो, रक्त स्राव की प्रकृति यही रहेगी। अर्थात रक्त स्राव दर्द के साथ होगा, अधिक मात्रा में होगा, काला काला थक्के वाला होगा और बीच बीच में फव्वारे सा फूटेगा। दर्द का वही लक्षण होगा जिसका वर्णन हमने अभी ऊपर किया है। आगे बढ़ते हैं। तो हर तीसरे महीने गर्भपात या गर्भपात की आशंका। अभी तीन प्रकार के जरायु संबंधी रक्तस्राव का हमने वर्णन किया। इन तीनों रक्तस्रावों में से गर्भपात की आशंका पर इस औषधि का विशेष प्रयोग होता है। जिन स्त्रियों को हर तीसरे महीने रक्तस्राव के साथ गर्भपात हो जाता है या तीसरे महीने रक्तस्राव से गर्भपात की आशंका हो जाती है तो इस औषधि से लाभ होता है। तीसरे महीने होने वाले गर्भपात को यह औषधि रोक देती है। तीसरे महीने गर्भपात को रोकने के लिए प्रमुख तौर पर दो औषधियां हैं, बेलाडोना तथा सेबाइना। आगे बढ़ते हैं। तीसरे महीने गर्भपात को रोकने का बेलाडोना का क्या लक्षण है समझ लेते हैं एक बार। तो अगर रोगिणी अत्यंत संवेदनशील हो, स्पर्श, शब्द आदि को न सह सकती हो, नर्स जब बिस्तर बनाती हो तब चादर की जरा सी भी फरकन न सह सके, जरायु से जो रुधिर जा रहा हो उसका बहना रोगिणी को अनुभव होता हो, साफ रुधिर हो और इतना गर्म हो कि रोगिणी उसकी गर्मी अनुभव करती रहे, यह महसूस होता रहे कि रुधिर गर्म है, दर्द यकायक आए और यकायक चला जाए, इन लक्षणों के होने पर तीसरे महीने के गर्भपात को रोकने के लिए बेलाडोना औषधि देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे महीने के गर्भपात को रोकने का सेबाइना का लक्षण को भी समझ लेते हैं। रक्तस्राव के साथ दर्द कमर से चलकर योनि के ऊपर उठी हुई हड्डी या जरायु तक जाता है। अगर तीसरे महीने गर्भपात हो जाता हो या तीसरे महीने गर्भपात के लक्षण दिखलाई देने लगे, दर्द के साथ रक्तस्राव होने लगे और यह दर्द कमर से चलकर योनि के ऊपरी उठी हुई हड्डी जहां बाल उगते हैं वहां या जरायु तक चला जाए, तो इन लक्षणों के होने पर तीसरे महीने के गर्भपात को रोकने के लिए सेबाइना मुख्य औषधि है। सेबाइना की रोगिणी गर्मी सहन नहीं कर सकती, ठंडक पसंद करती है। सिकेल कोर में भी तीसरे महीने के होने वाले गर्भपात को रोकने के लक्षण पाए जाते हैं, तो सिकेल कोर का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भपात को रोकने के लिए अन्य मुख्य औषधियां कौन सी है, मैं एक बार समझा देता हूं। तो पहले महीने के गर्भपात होने की आशंका पे वाइबरनम, दूसरे महीने के गर्भपात पे एपिस या कैलिकार,
तीसरे महीने के गर्भपात की आशंका पे या हो जाता हो बार बार, तो सेबाइना, सिकिलकोर, बेलाडोना, सीपिया और थूजा, इन पांचों पर हमने ध्यान देना है। और तीसरे, पांचवें, सातवें महीने गर्भपात पे सीपिया प्रमुख रूप से काम करते हैं। आगे समझते हैं। आगे का लक्षण है कि लटकते रहने वाले रक्तस्राव में सल्फर या सोरिना। रक्तस्राव के कई रोगियों को रक्तस्राव का जीर्ण रोग हो जाता है, पुराना रोग। औषधि के सेवन से रक्तस्राव एक बार रुक जाता है, परंतु फिर किसी कारण से शुरू हो जाता है। प्रायः उन स्त्रियों को जिन्हें गर्भपात हो चुका होता है, ऐसी शिकायत हो जाया करती है। जरायु के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भी रक्तस्राव ठीक होकर फिर होने लगता है, फव्वारे सा फूटता है। ऐसी दशा में सेबाइना लाभ तो करेगा, परंतु इससे चिर स्थायी लाभ नहीं होगा। ऐसी हालत में एंटीसोरिक दवा देनी चाहिए। सल्फर से लाभ होगा, सल्फर से भी लाभ ना हो तो सोरिनम से स्थिर लाभ होगा। सल्फर और सोरिनम दोनों एंटीसोरिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे रक्तस्राव जो चिर काल से चला आ रहा है, उसमें सल्फर और सोरिनम का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और सेबाइना का प्रयोग से लाभ तो मिलेगा, पर हो सकता है कि पूर्ण स्थायी लाभ ना मिले। ऐसे में सल्फर और सोरिनम की तरफ विचार करो। एक लक्षण है कि रक्तस्राव तथा गठिये में पर्यायक्रम। जब रक्तस्राव हो तब गठिया ठीक रहे, जब गठिया प्रकट हो तब रक्तस्राव चला जाए। इस प्रकार के पर्याय क्रम में गठिये को यह दवा ठीक कर देती है। हाथ की कलाई और पैर की उंगलियों में सूजन वाले वात रोग में सेबाइना। हाथ की कलाई और पैर की उंगलियों के सूजन के वात रोग अगर स्थान परिवर्तन करता रहे तो कॉलोफाइलम। और बड़ी बड़ी मांसपेशियों में वात रोग के दर्द में सिमिसिफ्यूगा लाभ करता है। स्त्रियों के इन वात रोगों में जरायु की कुछ न कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको सेबाइना रोग से लाभ होगा। तो जरायु के संबंधित अगर कुछ गड़बड़ है तब सेबाइना, या जैसे मैंने बताया कोलोफाइलम और सिमिसिफ्यूगा, स्त्रियों के संबंध में अवश्य तीनों जिस प्रकार का लक्षण मैंने बताया है उसमें लाभ मिलता ही मिलता है। एक अंतिम लक्षण है कि सेबाइना का रोगी संगीत नहीं सह सकता। संगीत इस रोगी को अधीर बना देता है, वह मानो उसकी हड्डियों तक को छेद देता है। संगीत को वह सहन नहीं कर सकता। थूजा का रोगी संगीत सुनकर रोने लगता है, ये दोनों संगीत को सहन नहीं कर सकते। तो संगीत को ना सह सकने का जो लक्षण है वो सेबाइना में भी पाया जाता है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 330 शक्ति में बिल्कुल सेबाइना का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा यह औषधि गर्म प्रकृति के लिए है, गर्मी से रोग बढ़ता है। रोगी या रोगिनी खुली ठंडी हवा पसंद। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो, या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, दो दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।